अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत फ्लावर खिला है। बहुत प्यारा कलर है, पिंक कलर। तो ये नर्सरी से लेके आए थे, तो अभी रिपोर्ट नहीं किया है क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने लगी थी और बारिश नहीं हो रही थी। तो अब फिर से बारिशें शुरू हुई है। बहुत अच्छा मौसम हो गया है अब रिपोर्टिंग का। तो जितने भी हमारे प्लांट रखे हुए हैं रिपोर्ट के लिए, तो उन्हें अब हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो सोच रहे हैं आज दो प्लांट हम रिपोर्ट करेंगे। ये क्रोटन वाले जो हमें गिफ्ट देने हैं किसी को। तो अच्छा मौसम है और अच्छे से रूट सारी सेट हो जाएंगी और स्ट्रेस में नहीं जाएगा प्लांट हमारा। तो बहुत अच्छा मौसम है बारिश वाला। तो अब हमें सीड लगा लेने चाहिए। रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट कर लेना चाहिए और कटिंग तो लगानी ही चाहिए, क्योंकि मानसून सीजन जब चला जाएगा तो फिर अच्छा मौसम निकल जाएगा कटिंग लगाने वाला। तो ये सब कर सकते हैं। और देखिए, सीड से अपने आप से करी के बहुत ढेरों प्लांट हर तरफ हमारे गार्डन में उगते रहते हैं और जिस भी पॉट में या क्यारी में वो गिरते हैं, ढेरों प्लांट निकल के आए हैं। तो जिसको भी लेना होता है तो हम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आज दूर रिपोर्ट करेंगे प्लांट, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो गया है। शोक में नहीं जाएगा प्लांट हमारा और अच्छे से रूट उसकी सेट हो जाएंगी। स्ट्रेस नहीं लगेगा उसको, कोई शॉक नहीं लगेगा। तो आप लोग भी जो करना है इस टाइम अगर रिपोर्ट, तो कर सकते हैं। बारिश होती है तो हवाओं में मॉइस्चर होता है और बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो हमें गेंदे की भी कटिंग वगैरह लगानी है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी हमने बहुत अच्छी बनाई थी और इसमें भर के रख दी थी पॉट में, और धान की भूसी और रिवर सैंड और अपने गार्डन की मिट्टी और जो मैंगनी मिलाते हैं बकरी की, वो वाली खाद है इसमें। तो चारों अच्छी मात्रा में है और खूब अच्छी सैंडी सॉइल हमने बनाई है, ऑर्गेनिकली रिच। तो ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालते हैं और ऑर्गेनिक खाद भी डालते हैं। तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत है। ये इंडोर प्लांट है, इसे ज़्यादा धूप नहीं पसंद है। ये सेमी साइड में अच्छे से चलते हैं। अगर डायरेक्ट सन में रख देंगे तो ये अच्छे नहीं होते हैं, झुलस जाते हैं और मर जाते हैं। तो सेमी साइड में जहाँ अच्छे से रोशनी आती है, लाइट आती है, वहाँ बहुत अच्छे से चलता है। तो ये दो पॉट में हमने मिट्टी भर के रख दी थी पहले ही। जब हम पहले मिट्टी बना के रख लेते हैं या पॉट में भर देते हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत अच्छे से प्लांट हमारा लग जाता है, बहुत ही जल्दी ग्रोथ भी करने लगता है। देखिए कितनी सॉफ्ट और अच्छी मिट्टी है। इसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा रखनी है। जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं तो उन्हें सॉफ्ट और वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है। तो ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे पॉट का, गमले का, और मिट्टी हमारी खूब अच्छी भुरभुरी होनी चाहिए। तो थोड़ी सी हल्दी और DAP के कुछ दाने डालेंगे, जिससे रूट अच्छे से डेवलप हो और कोई शॉक ना लगे, स्ट्रेस में ना जाए प्लांट हमारा, अच्छे से सेट हो जाता है तब और बिल्कुल भी नहीं मुरझाता है। तो ऐसे आप लोग लगाएंगे अगर रिपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हम सारे प्लांट ऐसे ही लगाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। और ये जो ग्रो बैग मिलता है हमें, तो ये बहुत अच्छा होता है, इसे फेंके नहीं। हमें प्लांट को ऐसे धीरे से आराम से निकालना है, पीछे की तरफ खींचते हुए बहुत आराम से। प्लांट को ज़्यादा नहीं खींचना है, पीछे से पॉलीथीन बैग खींचना है और हल्का से दबाना है। और अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डर है, तो आप बिल्कुल भी ना खींचें, फाड़ सकते हैं। लेकिन हम ऐसे लगाते हैं, अच्छे से हमारे प्लांट लग जाते हैं और ये ग्रो बैग भी हमारे बहुत काम आते हैं बाद में कटिंग वगैरह लगाने के लिए, और कुछ भी हम सीड भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से हमें बीच में रख देना है। मिट्टी हटा दी हमने थोड़ी, और हल्दी और थोड़ी सी DAP डाल दिया है। और मिट्टी हमारी बहुत अच्छी है, बालू की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसीलिए तो मिट्टी बहुत अच्छी हमें बनानी है, वेल ड्रेन और अच्छी कंपोस्ट डाल के। तो इसके लिए हमें एक भाग गार्डन की मिट्टी और एक भाग कोई भी कंपोस्ट और एक भाग धान की भूसी और एक भाग बालू, जो हम रिवर सैंड घर बनाने में काम आती है। इन सबको मिला के हमने चारों चीज़ों को अच्छे से मिट्टी बना के पहले ही भर ली थी। तो हमें बहुत अच्छा होता है प्लांट लगाने में, बहुत हेल्प मिलती है, प्लांट हमारे अच्छे से चलते हैं सारे। और फंगीसाइड भी मिला लें तो फंगीसाइड की जगह पे हमने हल्दी मिलाई है। और देखिए, इसको भी ऐसे ही निकाल लेना है, फिर रूट बाउल के साइज मिट्टी हटा देना है, और बहुत ऊपर तक भी ना रहे रूट बाउल और बहुत नीचे ना हो, इसका हमें ख्याल रखना है। अगर मिट्टी हल्की कम है तो उसे फिर से हमें थोड़ी डाल देना है और बीच में रख के अच्छे से
मिट्टी चारों तरफ से फिल कर देनी है, चारों तरफ से हमें मिट्टी भरनी है। और जो नए हैं अभी गार्डनिंग में, बिगनर्स हैं, तो रूट बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। रूट डिस्टर्ब करने से क्रोटन मरने का खतरा रहता है। देखिए फ्रेंड, उसके बाद हमने पानी डाल के रख दिया है, इसको साइड में रखना है। अभी हमें उठा के 4-5 दिन साइड में रखेंगे, फिर सेमी साइड में रख दें इसे, जहाँ पे खूब अच्छे से लाइट आती हो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर हम डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो प्लांट मर जाएगा। तो इंडोर प्लांट जितने भी हैं उन्हें बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना है, जहाँ पे अच्छे से लाइट आती हो, धूप की रोशनी आती हो, वहाँ पे रखें। तो इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत रहेंगी, बहुत खूबसूरत ये होते हैं क्रोटन, बहुत ज़्यादा हमें पसंद है। और ये भी लाए थे, इसको भी हमने रिपोर्ट किया था, ये मोर की पंखी, थूजा प्लांट, ये सब बहुत खूबसूरत लगते हैं घर के अंदर रखे हुए, इंडोर रखे हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी, तो ज़रूर बताना। और अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो इस टाइम इसे ला के लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौसम है, रेनी सीज़न बहुत अच्छा होता है ढेरों प्लांट अपने गार्डन में ऐड करने के लिए, चाहे वो फ्लावर वाले हों या फ्रूट या वेजिटेबल्स वाले या फिर इंडोर ये खूबसूरत से प्लांट्स, बहुत ही खूबसूरत। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये सारे ही प्लांट। तो इंडोर प्लांट बहुत खूबसूरत होते हैं, फूलों की कमी को दूर कर देते हैं, एकदम फूलों की तरह ही होते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।